Today we will learn client server model. Client server model. A client server model is an architecture that is used to describe how clients and server are communicated with each other through which services, and how the clients are connected to the server, and how the server gives service to the clients. Basically, client server model consists of four elements. Here, this is the main computer. This is called a server. Clients are connected to the main computer. They are the clients who are connected to the server. Client 1, client 2, client 3, client 4, number of clients are there. So a client server model consists of four parts. One is client, another is server, NIC, fourth one is network. So there are four parts of client server model. So in a client server model, what is client? A client is a device or a computer or a person who connects to the server. This computer एक सर्वर के साथ या एक नेटवर्क के साथ कनेक्शन होता है, उसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? क्लाइंट. ए क्लाइंट मे बी ए कंप्यूटर, मे बी ए वर्क स्टेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए होस्ट, नोड, इट कैन कॉल्ड एनीथिंग. दिस इज कॉल्ड एज, इट मे बी ए मोबाइल, इट मे बी ए लैपटॉप, एनीथिंग और एनी डिवाइस विच कनेक्ट टू द सर्वर इज कॉल्ड एज क्लाइंट. So here there are four clients are there, C1, C2, C3, C4. What is server? A server is the main computer. A server is the main computer who gives services to the client. ये जो main computer है, main computer who gives service to the client. ये service देता है बोल के उसका नाम क्या दिया गया है? Server. ये server has high storage capacity. इसका storage capacity बहुत ज़्यादा होता है and स्टोर्स डाटा ऑफ ऑल द क्लाइंट्स. हर एक क्लाइंट्स का डाटा. इट कंट्रोल्स ऑल द कम्युनिकेशन अमंग द क्लाइंट्स. टोटल क्लाइंट के बीच कम्युनिकेशन को भी क्या करता है? ये कंट्रोल करता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सर्वर. जो मेन कंप्यूटर है जहां पर हम टोटल कनेक्शन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वर. नाउ आई हैव सेंड ए सपोज लिंक टू यू, गूगल. आई क्रिएट ए गूगल लिंक एंड सेंड टू यू. सो नाउ माई डिवाइस इज यूज एज ए सर्वर and all the other clients who are connected to my link are one client. NIC. NIC stands for Network Interface Card. Network Interface Card, it is called as Network Interface Card. It is a circuit. It is a printed circuit that is used to connect a client to a server. जिस फिजिकल डिवाइस के जरिए और जिस सर्किट के जरिए एक क्लाइंट एक सर्वर के साथ एक नेटवर्क के साथ कनेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनआईसी बोलते हैं. आप सब भी आप जानते होंगे एक तो सिम कार्ड है. सिम कार्ड में यहाँ पर एक तो सर्किट लगा होता है, प्रिंटेड सर्किट लगा होता है. सो दिस सिम कार्ड, मोबाइल सिम कार्ड इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एनआईसी. लैन कार्ड, इथरनेट कार्ड, दिस ऑल आर व्हाट? Circuits. So all the clients who are connected to the server must need a NIC. NIC works in the OIC layer of network layer of OIC model. And NIC का काम क्या है? NIC एक डिवाइस को, एक जैसे मोबाइल है, मोबाइल को एक नेटवर्क के साथ कनेक्शन करने के लिए हमको सिम कार्ड चाहिए. Now your सिम कार्ड is called as what? NIC. So NIC is a Network interface card. It is a printed chip that is, it may inbuilt with the computer. जैसे LAN card होता है, Ethernet card computer के motherboard के साथ inbuilt होके भी आता है. और आपका जो SIM card डालते हो, SIM card को हम externally डालते हैं.
दैट इज कॉल्ड एज एनआईसी. एंड नेक्स्ट वन इज नेटवर्क. इन नेटवर्क इज ए स्पेसिफिक एरिया व्हेयर द क्लाइंट्स एंड सर्वर आर कनेक्टेड विद ईच अदर फॉर डाटा कम्युनिकेशन और फॉर डाटा शेयरिंग. दिस स्पेसिफिक एरिया इज कॉल्ड एज नेटवर्क थ्रू व्हिच वी आर गेट कनेक्टेड. सो ऑल द फोर कंपोनेंट्स आर नीडेड टू क्रिएट ए क्लाइंट सर्वर मॉडल. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. सो नाउ वी विल डिस्कस हाउ द क्लाइंट सर्वर मॉडल वर्क्स. हाउ इट वर्क्स. फर्स्ट ए क्लाइंट गिव्स ए रिक्वेस्ट टू द सर्वर थ्रू ए सर्विस लाइक HTTP और FTP. सो थ्रू ए क्लाइंट प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड एज वेब ब्राउजर. सो दिस क्लाइंट रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एज HTTP क्लाइंट रिक्वेस्ट. यहां पर क्या होता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है किसको, सर्वर को, टू गेट एनी सर्विस. किसी भी सर्विस पाने के लिए क्लाइंट एक तो सर्विस को यूज करता है, जैसे HTTP है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. किसी भी प्रोटोकॉल यूज करेगा और रिक्वेस्ट भेजता है किसको, सर्वर को. सर्वर उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है. प्रोसेस करने के बाद वो क्या करेगा, उसी क्लाइंट को जो रिक्वेस्ट भेजा है उसको रेस्पॉन्स करता है यूजिंग दैट प्रोटोकॉल और दैट सर्विस. दैट इज कॉल्ड एज HTTP सर्वर रेस्पॉन्स. HTTP सर्वर रेस्पॉन्स दैट मीन्स ए क्लाइंट गिव रिक्वेस्ट थ्रू द प्रोटोकॉल और सर्विस. दैट इज कॉल्ड एज HTTP क्लाइंट रिक्वेस्ट. सर्वर गिव्स रेस्पॉन्स थ्रू दैट सर्विस. दैट इज कॉल्ड एज HTTP सर्वर रेस्पॉन्स. हेंस ए क्लाइंट सर्वर मॉडल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स. ये किस में काम करता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रिंसिपल में काम करता है. ठीक है. सो ओवरऑल व्हाट वी नो, ए क्लाइंट सर्वर मॉडल डिस्क्राइब हाउ ए क्लाइंट गेट्स सर्विस फ्रॉम इट्स सर्वर एंड हाउ द सर्वर प्रोवाइड्स द सर्विस ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट. हेंस ए क्लाइंट सर्वर मॉडल इज यूज फॉर रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स प्रिंसिपल. एंड इट इज टू टायर आर्किटेक्चर व्हेन क्लाइंट इज वन टायर एंड सर्वर इज वन टायर. दैट इज टू टायर आर्किटेक्चर. अनदर आर्किटेक्चर इज देयर व्हेन दैट इज कॉल्ड थ्री टायर आर्किटेक्चर व्हेन देयर इज अ मेन सर्वर. दिस इज द मेन सर्वर. अनदर इज प्रोक्सी सर्वर देन क्लाइंट्स. दैट मीन्स हियर द प्रोक्सी, हियर द प्रोक्सी सर्वर यूज एज ए मीडिएटर बिटवीन द क्लाइंट एंड मेन सर्वर. इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द मेन सर्वर. मेन सर्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तो क्या रखते हैं, ऑल्टरनेटिव ऑफ द मेन सर्वर रखते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटेक्ट प्रोक्सी सर्वर. सो हियर द एप्लीकेशन इज प्रेजेंट, हियर एप्लीकेशन इज प्रेजेंट, डाटाबेस इज कनेक्टेड हियर. सो थ्रू द एप्लीकेशन लेयर इट कनेक्ट्स टू द डाटाबेस. यहाँ पर डाटाबेस है, डाटाबेस के साथ कनेक्शन करने के लिए हमको एक तो एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है. सो नाउ क्लाइंट कनेक्टेड टू द डाटाबेस थ्रू द एप्लीकेशन सर्वर और प्रोक्सी सर्वर. दैट इज कॉल्ड एज थ्री टायर आर्किटेक्चर. सो ए क्लाइंट सर्वर मॉडल हैज टू टाइप ऑफ आर्किटेक्चर. वन इज टू टायर व्हेन द क्लाइंट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मेन सर्वर. एंड थ्री टायर आर्किटेक्चर मीन्स ए क्लाइंट कनेक्टेड टू द सर्वर थ्रू एन एप्लीकेशन. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मिडिल लेयर सर्वर और प्रोक्सी सर्वर. सो दिस इज ऑल अबाउट क्लाइंट सर्वर मॉडल. थैंक यू.